Hello everyone, my name is Priyanka Bist. Today I am here with an amazing video. So, आज हम बात करने वाले हैं टू टॉप एमएनसीज सिलेबस के बारे में. सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद इन दो कंपनीज के एग्जाम क्लियर किए हुए हैं. एंड टुडे आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर इन रेप्लिकॉन. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेप्लिकॉन एंड TCS सिलेबस एग्जाम. मैंने उन दोनों के एग्जाम क्लियर उनके भी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विप्रो माइंडट्री. So as you can see that the education qualification for Wipro Mindtree should be 10th or 12th standard pass. आप 10 और 12 पास होने चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में 60% और 6.0 CGPA होने चाहिए या उससे अबव तो ही आप Wipro Mindtree के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. और क्वालिफिकेशंस में अगर आपने BCA या BSc कोर्स किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हैं. वो भी अगर आपने BCA या BSc कंप्यूटर साइंस और IT से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. तो आपका अगर आप इन सब चीज़ में एलिजिबल हैं तो फर्स्ट आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपका वो फॉर्म एप्लीकेबल हो गया तो ही आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगे. आफ्टर क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट आपके आपको दो राउंड इंटरव्यू के देने पड़ेंगे. अगर आप दो इंटरव्यू राउंड पे अगर आप क्लियर हो गए तब जाके आपको ऑफर लेटर मिलेगा थ्रू कंपनी. सो अदर क्राइटेरिया हेयर इज मैंडेटरी टू हैव स्टडी कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन पे आपकी मैथमेटिक्स होनी ही चाहिए एज अ कोर सब्जेक्ट. और अगर आपके पास बिजनेस मैथ और अप्लाइड मैथ है तो वह एज अ कोर मैथमेटिक्स नहीं माना जाएगा. और मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ एजुकेशन गैप इफ एनी इज अलाउड बिटवीन 10 एंड ग्रेजुएशन. एंड नो गैप्स आर अलाउडेड इन ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 3 ईयर्स. अगर आपका BCA और BSc कोर्स 3 साल का है तो 3 साल के ही अंडर वो कम्प्लीट होना चाहिए. अगर आपके 3 साल के बीच में कोई भी गैप है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है. एंड अगर मैक्स ऑफ 1 एक्टिव बैकलॉग टिल द इंटरव्यू स्टेज. सो अगर आपका 1 एक्टिव बैकलॉग है टिल द इंटरव्यू स्टेज तक तो आप एलिजिबल हैं. अगर आपके उससे ज़्यादा है तो नहीं है. और आपको ऑफ़र लेटर तभी मिलेगा जब आपके बैकलॉग सारे क्लियर हो जाएंगे, तब जाके आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा. और आप इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम. और अगर भूटान और नेपाल नेशनल के हो तो आपके पास सिटीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए. और कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय Wipro और Mindtree बाय द लास्ट 3 मंथ आर नॉट एलिजिबल. अगर आप लोग ने Wipro Mindtree के कोई भी एग्जाम 3 महीने के अंदर दे रखे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं. आफ्टर 3 मंथ ही आप फिर से वो एग्जाम दे सकते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड विल बी द बेनिफिट. सो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं थ्रू Wipro और Mindtree के एग्जाम. अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया और आपका सिलेक्शन हो जाता है क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 15,000 प्लस 488 ESI और ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 75,000. ये बस ज्वाइनिंग बोनस आपको बस Wipro में मिलेगा. अभी Mindtree ने ऐसा कुछ प्रोसेस लॉन्च नहीं किया है. सो अगर आप Wipro में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ फ्रेशर तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा 75,000 का. नेक्स्ट ईयर में आप लोग की सैलरी हो जाएगी 17,000 प्लस 533 ESI. थर्ड ईयर में आपकी मंथली सैलरी होगी 90,000 प्लस 618 ESI. एंड फोर्थ ईयर में आपकी मंथली सैलरी होगी 23,000. उसके साथ साथ आपको Wipro Mindtree MTech डिग्री प्रोवाइड करवाते हैं जो फुली स्पॉन्सर्ड बाई कंपनीज होता है. और आपको उसके साथ साथ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडियन रुपीज 40 लाख ये मिलता है. उसके साथ साथ आपको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ इंडियन रुपीज 12 लाख भी ये मिलता है. और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है इन दोनों कंपनीज में जो कि होता है 60 मंथ का. अगर आप लोग ने बीच में ये प्रोसेस और छोड़ना चाहिए बॉन्ड तो आपको 70,000 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को. बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग आपको एंटर करवा रहे हैं तो वो लोग यूनिवर्सिटी को कुछ पेमेंट देंगे आपके
डिग्री के लिए। सो अगर आप लोग ने बीच में ये बॉन्ड छोड़ा तो कंपनीज को लॉस होगा, दैट्स वाई कंपनी बॉन्ड्स की आप लोग पे करें 70,000 रुपीज अगर आप लोग ने ये बॉन्ड तोड़ा तो। सो नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस। सो क्या क्या सिलेबस होते हैं विप्रो और मेंट्री के। सो तो देयर आर फोर राउंड इन द रिटर्न एग्जाम। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव वर्बल लॉजिकल रीजनिंग रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट। द फोर्थ राउंड विच इज रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट वो बस विप्रो में होता है। मेंट्री में ये फोर्थ राउंड होता है, मेंट्री में बस 3 राउंड होंगे क्वांटिटेटिव वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो फर्स्ट वी विल सी क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या सिलेबस होते हैं जो है LCM SCF डिविजिबिलिटी नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शंस एंड पावर टाइम एंड वर्क टाइप्स एंड स्लिप टर्म्स एवरेजेस प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेंस ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स लॉगरिथम कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी रेस एंड प्रोपोजल एलजेब्रा सर्च एंड इंडेक्सेस एलिगेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन डिटेल्स। तो अब हम देखेंगे वर्बल के अंदर क्या क्या सिलेबस आते हैं। तो क्वांटिटेटिव में आपको इन सब सिलेबस के अंदर से क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टाइम अलॉटेड होंगे 20 मिनट। वर्बल के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम अलॉटेड होंगे 20 मिनट। वर्बल के अंदर जो आपके सिलेबस है वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स जंबल सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मेशन इन्फ्लुएंशियल एंड बेटर कम्प्रहेंशन कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी कम्प्रहेंशन ऑर्डरिंग एरर आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस एंड आर्टिकल प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन स्पीच एंड वॉइसेस। तो द थर्ड राउंड विल बी लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपके जो सिलेबस है वो है ब्लड रिलेशन डायरेक्शनल सेंस ऑड मैन आउट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एनालॉजी क्लासिफिकेशन रिकॉग्निशन कोडिंग एंड नंबर सीरीज रिकॉग्निशन सेटिंग अरेंजमेंट मैथमेटिकल ऑर्डर्स इनक्रेट मीनिंग लॉजिकल एंड सिक्वेंस डेटा सफिशियंसी लॉजिस्म डेटा अरेंजमेंट। सो आपको इसके अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन मिले जाएंगे और आपको टाइम अलॉटेड होंगे 20 मिनट। सो जो मैं आपको बोली थी विप्रो में आपका एक और राउंड होगा जो कि है रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट। इसके अंदर आपको कोई भी टॉपिक में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना होगा, आपको इसमें भी 20 मिनट अलॉटेड होंगे। आपको एक एक टॉपिक मिला जाएगा, उस टॉपिक के अंदर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखने होंगे। सो ये तो थी विप्रो और 9th की सिलेबस के बारे में। सो दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेप्लिकॉन और TCS के एग्जाम्स के बारे सिलेबस के बारे में। रेप्लिकॉन में आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर, सो सिलेबस भी बहुत डिफरेंट है रेप्लिकॉन का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या सिलेबस है फॉर क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।